हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रथम मैं गंगा कैशिट माननीय पुनीत शर्मा जी, मैं यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव को सादर प्रणाम करता हूं, साथ ही साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। इस स्टूडियो के माध्यम से आज की रात आपके सामने एक नया पारिवारिक ड्रामा पेश किया जा रहा है। तो लीजिए साहब, आपके सामने ड्रामा पेश है कैदी और कफन, बहन की कुर्बानी उर्फ डाकू अंबार सिंह, बोले शंकर भगवान की। जयराम भैया। भैया जयराम। भैया। भैया रामबली। भैया महाबली। इस वक्त हम आप कहाँ पे हैं? भैया महाबली, इस वक्त हम अपने है सेठ माननीय रतन खंडेवाल, ये उन्हीं का बंगला है। हाँ। और सेठ रतन खंडेवाल के बंगले पर हमारी आपकी ड्यूटी है। हाँ। और इस वक्त सेठ जी के अपने आने का वक्त हो गया है। हाँ। हम आप ड्यूटी पे तैनात रहे ताकि उनका कोई समय नहीं है कि कितने समय हो हमारे आपके पास। जी भैया, चलिए भैया। सेठ जी नमस्ते। और सुखे प्रणाम करता हूँ। कल्लू राम और संजय। जी भाई मालिक। देखिए बेटा, बड़ी मेहनत करने पर जी मालिक रुपए कमाने होते हैं। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? और जो रुपया कमाता है, हाँ, वो रुपए खर्चा करने में उसे दिक्कत होती है। क्यों नहीं? क्योंकि हम अगर रुपए मेहनत से कमाए हैं तो उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? और रुपए के लिए मैंने स्टील फैक्ट्री खोल रखा है। जी वाले। और वो भी एक एक फैक्ट्री नहीं। हाँ वाले। हमारे पास कम से कम 3-4 फैक्ट्री है। जी वाले। जी वाले। और मेरा नाम रतन खंडेवाल जेवाले, और मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं। हाँ। किस आजमगढ़ में अगर किसी ने, हाँ, दूसरी फैक्ट्री खोल दिया जेवाले, तो मालिक वो कम दाम में अगर माल बेचने लगेगा, हाँ, तो हमारी फैक्ट्री बेकार हो जाएगी। जेवाले। और क्या मालिक, क्यों नहीं? इसलिए हम चारों तरफ निगाह दौड़ाते रहते हैं जी वाले, कि कहीं पर अगर जमीन खाली हो, हाँ हाँ मालिक, तो उसे हम लिखवा लेते हैं। ठीक है मालिक। क्यों नहीं? ताकि अपनी फैक्ट्री वहाँ हम लगा ले। जी मालिक। देखिए मालिक, मैनेजर श्याम बिहारी जी वाले, जी मालिक, वो फैक्ट्री का समाचार कोई हमें बताए नहीं जी मालिक, और त्योहार दीपावली का नजदीक आ गया है। हाँ मालिक, हाँ मालिक। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर फैक्ट्रियों से, हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर, हाँ मालिक, और क्या, हम वर्करों की पेमेंट कर दें। बिल्कुल मालिक।
ताकि वो अपना त्योहार करे बका दे। त्योहार हो गया, खुशी बा खुशी अपना त्योहार मनाए। और क्या भाई, यही चाहिए। लेकिन हाँ मालिक, अभी तक श्याम बिहारी हाँ बंगले पर आए नहीं। नहीं भाई। सरकार, चलो इंतजार किया जाए, आते होंगे। ठीक है, अगर संजय तुम कहते हो हाँ तो हम दो मिनट वेट कर लेते। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मालिक की जय हो। मालिक, आपका मैनेजर श्याम बिहारी आपके कदमों में सर झुका रहा है। मालिक, श्याम बिहारी, मालिक हम तुम्हारा इंतजार बड़े बेसब्री से कर रहे थे। किस लिए मालिक? क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो कहो मालिक। आपका मैनेजर आपकी बातें सुनने के लिए तैनात है मालिक। ठीक है, सुनिए। और मैनेजर बतला आज का ताजा हाल। मैनेजर बतलाइए कितनी हुई, कितना निकला माल। हाँ आमदनी कितनी हुई, कितना निकला माल। मैनेजर श्याम बिहारी, मालिक मेरे कहने का मतलब समझ में आ तो गया होगा। हाँ मालिक। मैं ये जानना चाहता हूँ आज तक कितनी आमदनी हुई और कितना माल निकला है, ये मैं तत्काल जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं मालिक, मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। मालिक मेरी बात को सुनिए देकर। मालिक मेरी बात को सुनिए देकर ध्यान, और घाटा दिन प्रति दिन लग रहा। मालिक दे मालिक, फैक्ट्री में दिन प्रतिदिन घाटा लग रहा है, इसलिए श्याम बिहारी आपके सामने आराम से खड़ा है। मालिक, घाटा घाटा लग रहा है? हाँ श्याम बिहारी। मालिक मेरी बात गौर से सुनो। ये कैसे हो गया कि जो घाटा लग रहा है? क्यों लग रहा है बताओ मुझे, घाटा क्यों लग रहा है? घाटा लग रहा है बताओ मुझे, जबकि वर्कर कोई नहीं अब्सेंट है। बताओ नहीं, बात सच सच बताओ और छिपाओ नहीं, देना तनख्वाह मुझको अर्जेंट है। घाटा बन घाटा, घाटा बन घाटा।
दिवाली का त्योहार आया है। दिवाली और कल ही त्योहार है, अर्जेंट में हमें सबको तनख्वाह देना है। मालिक, लॉकडाउन जब से लगा तब से वर्कर लोग काम में ढीलापाही कर रहे हैं, इसलिए मालिक फैक्ट्री में घाटा लग रहा है। लॉकडाउन लगा, वर्कर कुछ काम करना काम बंद कर दिए। होगा भाई, कल्लूराम और श्याम बिहारी जी मालिक, अगर कोरोना लगा था, बीमारी फैली थी जी मालिक, तो एक इंसान के ऊपर नहीं थी। नहीं मालिक, वो पूरे देश विदेश थी। इसलिए हम इसके लिए सोचे विचारेंगे, ऐसा नहीं करते कि हम नौकर जितने भी वर्कर हैं जी मालिक और नौकर भी हैं सबकी आधी तनख्वाह दें। यही तो मैं सोच रहा हूं मालिक कि अगर वर्करों की और नौकरों की दोनों की आधी तनख्वाह दोगे तो फैक्ट्री चालू रहेगा और मालिक फैक्ट्री का माल भी नहीं रुकेगा और आपको 10 रुपया फायदा भी होगा। मालिक, श्याम बिहारी तुम ठीक कहते हो। मालिक, आप कह रहे हैं कि हम वर्कों को आधी तनख्वाह देंगे, क्या वर्कर इस बात से सहमत हो जाएंगे? लोग बात पैसे के लिए तरस रहे हैं और इस वक्त जो भी चीज मिलता है हर चीज में महंगाई आ गई है। मालिक, कल्लूराम, ये तुम नहीं जानते हो जी मालिक कि मैं जितना सीधा हूँ उतना ही टेढ़ा हूँ। जो वर्कर नहीं मानेंगे मैं सीधा उनका हिसाब कर दूंगा। क्या नहीं मालिक, मैं यही सोच रहा हूँ। और अगर मुझसे किसी ने तकरार किया तो सोच लो कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं जितना सीधा हूँ उतना ही बुरा इंसान हूँ। अरे तो मालिक, मान लिया आप गुस्से में आकर जज्बात में आकर आप हिसाब तो कर देंगे, अगर उसके जगह पर कोई आदमी ना मिला तो मशीन तो अपनी बंद हो जाएगी मालिक, तो फैक्ट्रिया का कारोबार आगे कहां से बढ़ेगा मालिक, कहां से बढ़ेगा मालिक? तुम इसका टेंशन मत लो। टेंशन लेना नहीं है हमें, टेंशन देना है। क्यों नहीं मालिक? श्याम बिहारी, बहुत शोर कराएंगे और एक वर्कर नहीं आएगा तो बहुत शोर कराएंगे, जिसको 2 पैसा कमाना है अरे तो है वो फैक्ट्री में अवश्य आएगा। ये बात तुम एक बात तुमसे बताने के लिए मैं भूल गया। कौन सी बातें हैं मालिक? हमारी बेटी लंदन में पढ़ रही है। ओह, क्यों नहीं मालिक? बेटी फोन किया कि पापा हम पढ़ाई पूरा कर चुकी हूँ। अच्छा, और हम घर आने वाली हैं। बहुत अच्छी बात तो है। पहले ये बताओ कल्लूराम जो मालिक, ड्राइवर को बोल दो मालिक कि गाड़ी लेकर वो चला जाए हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर चला जाए और वहां पर हमारा फोन लेते जाएगा जी मालिक, और बेटी का नंबर उसे दे देना, फोन करके वो गाड़ी पर बैठ जाएगी, वो सीधे लेके बंगले पे। जैसे आप आदेश मालिक, जैसे जाओ, तुम ड्राइवर को बोल दो इसी वक्त में चल जाओ। कैसा सफर था? पिताजी, आपके आशीर्वाद से सफर मेरा बहुत अच्छा था। बेटी जी, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हारे देखिए बेटी, ये गोवा नहीं है। देखिए इस प्रकार का ड्रेस पहनोगी। अरे तो क्या हुआ, मैं फ्लाइट से आ रही थी, सोचा ऐसे ही चलूं, बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ की रीति रिवाज अलग है और यहाँ की रीति रिवाज अलग है। ठीक है पिताजी, आपके कहने के अनुसार तो मैं चलती हूँ ना। ठीक है, यहाँ का रीति रिवाज अलग है तो जैसा यहाँ का रीति रिवाज चल रहा है उसी हिसाब से मैं ढल जाऊंगी। यही तो बच्चों का काम है, जो माँ बाप शिक्षा दे बच्चों को मानना चाहिए। ठीक है बेटे, जाओ और मंजन ब्रश करो
और नहा धुलो, आराम से स्नान कर लो, कपड़े चेंज कर लो, नाश्ता कर लो, थकी होगी। हाँ, आराम करो। थकाई तो लग गई है पिताजी। क्या बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अरे ठीक है, नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा तो मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन थी। इन बार मैं आपसे मिल रही हूँ पिताजी। जी कर रहा है आज मैं अपने पिताजी को अपने सीने से लगा के छोड़ू यहाँ। अरे सामान तो पकड़ो। ओहो, लाओ, 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 मैं सामान आपका पकड़ता हूँ। लाओ लाओ लाओ। ओहो, आप दूर से चल। अरे कोई बात नहीं, कोई संभाल के। इसमें कुछ जी मालिक, सोचिए कि हमारी बेटी तो ऐसे थक गई है। हाँ हाँ मालिक, और ऊपर से उसका बैग भी नहीं पकड़ रहे हो। अरे मालिक, पिताजी मैं आपके लिए लंदन से बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूँ। चले आप आराम करें, मैं आपको शाम को खिलाऊंगी। आप भी सोचेंगे मेरी बेटी लंदन से क्या लेकर आई थी। वाह, ठीक है बेटा। ओए लंदन से, ये बात है, लंदन से आप चीकू लाए हो वो? तो क्यों है, आज चीकू नहीं मिलता क्या? अरे वहाँ का चीकू और मुलायम होता है, यहाँ का थोड़ा कड़ा होता है। ठीक है। देखिए कलूराम, हम थोड़ा जा रहे हैं हमारे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आ जाए, क्योंकि वर्करों से कुछ सलाह लेना है। हम श्याम बिहारी जा रहे हैं और देखेंगे कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जी मालिक। और जैसे जो काम करेगा वैसे उसकी तनख्वाह देंगे। ठीक है, ठीक ही कह रहे हैं श्याम बिहारी। जी मालिक। आइए हम चलते हैं फैक्ट्री में। चलिए चलिए चलिए। कालूराम, लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे। लवंडिया लवंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे। ठहरो 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 जरा कालूराम। हाँ, ये तू क्या बोल रहा है अपनी भाषा में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं। ये भोजपुरी गाना है। ये क्या हा? क्या बोल रहा था अभी? लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। धचक 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 धचक। डीजे तो समझ रही हूँ, डीजे वो जो बाजा बजता है ना। हाँ हाँ, उसी को बोल रहा है ना। हाँ और क्या। देखो कालूराम, और लौंडिया नहीं, लौंडिया नहीं जानती हो, अनजान मर रही हो। देखो कालूराम, तुम चलो पहले मेरे नहाने के लिए। हाँ हाँ, व्यवस्था करो। नहाने के लिए क्या ला दूं आपको, गर्म पानी? हाँ हाँ, आज तो मैं गर्म पानी से ही नहाऊंगी। बिना गर्म पानी से अंडरवियर धोए पहले नहाए तो नहीं। गरा ऐसी बात मेरे सामने करेगा ना तो मैं पिताजी से बोल कर। अरे वो आपकी बात नहीं है, तुझे नौकरी से। ओह माय गॉड, आप तो खामोखा नाराज हो जाती है। बदतमीज कहीं का? अरे आपकी बात नहीं, बदतमीजी मत कर। आज जरा समझने की कोशिश तो करो आप जी। मैं समझ रही हूँ। गर्म पानी में कपड़ा बका दे धोकर। हाँ, कौन छू लिया उसको झुरवाइये, उसके बाद क्या करवाइये, सुखवाइये उसको। हाँ तो ऐसा बोल। चलो तुम पहले पानी गरम करके मेरे नहाने का इंतजाम करो। चलो चलो तुम चलो। आओ, चलते मेरे नहाने का इंतजाम करो। चलो भैया आना, जल्दी आना। हाँ चल 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 चल। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं लंदन से पढ़ाई करके आज बहुत दिन बाद, कितने सालों बाद, मैं आज बताओ, मैं इतनी छोटी थी आज मैं इतनी बड़ी हो गई। मैं अपने आप को देखती हूँ तो पहचान ही नहीं पाती। आज नहाने के बाद मैं जाऊंगी बागों में खेतों में घूमने के लिए। हो आज मौसम बड़ा, यहाँ का मौसम कितना सुहाना लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है।